हेलो एवरीवन, कुछ दिनों से हाल कुछ ऐसा हो गया है कि पढ़ाने की जगह पढ़ने का काम हम करने लगे हैं। आयोग बिल्कुल ही और कुछ नहीं, चेयरमैन साहब जो कहते हैं उसी को पढ़ते रहते हैं, क्या वो क्या कह रहे हैं और उनका क्या है। मैंने फिर आज इंटरव्यू जो था उसको नोट किया है और बिना कोई तैयारी, खास तैयारी के उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये चेंज पे चेंज लाते जा रहे हैं और कोई सॉलिड स्ट्रेटजी इनकी उसके पीछे नहीं है और ये सीधा सीधा स्टूडेंट के लाइफ के साथ खेल रहा है। प्रूफ भी है, उन्होंने इंटरव्यू में खुद ही कहा है, हमें बताने की जरूरत नहीं, मैं अभी बता दूंगा आपको। इनसे सवाल जो किया गया रिपोर्टर के द्वारा आज के इंटरव्यू में, एनबीसी रिपोर्टिंग था ना सह चैनल, दो एग्जाम मतलब अभी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारे पास 6 लाख प्लस के स्टूडेंट हैं और हम उस टॉप, माने हम अपने, इनका जो मानक है, मानक क्या होना चाहिए उससे मतलब नहीं है, इनका जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड पे फिट नहीं हो रहा है। बिहार की शिक्षण संस्थाएं फिट नहीं हो पा रही है, यानी बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार की शिक्षण संस्थाएं अधिकांशतः करप्ट है, चोर है, यही कह सकते हैं ना, जहां पे पेपर लीक होगा ही होगा। यानी बिहार में 6 लाख स्टूडेंट को या 7.5 लाख, 7 लाख स्टूडेंट को एक साथ बैठाने में यहां की शिक्षण संस्थाएं सक्षम नहीं है और वैसी संस्थाएं नहीं है जो इतने को बैठा के फेयर एग्जाम कंडक्ट करवा ले। तो इतना तो ये तो तय है इनडायरेक्टली कि जो इसके अलावा जितना 3 लाख स्टूडेंट के लिए जिसको आप चुनोगे जिस जगह को, उसके अलावे में आपको डाउट है, तो डाउट है तो आप सोच लीजिए कि एजुकेशन सिस्टम और सरकार पे कितना करारा ये तमाचा है जो चेयरमैन साहब ने खुद बोला है, कोई और किसी ने नहीं कहा। अब इन्होंने फिर वही परसेंटाइल और ग्रुप की का राग अलापा, यहां पे कितना बड़ा बलंडर है आप इसको देखिए, तब आपको समझेगा कि कैसे आपके साथ खेला जा रहा है। आपको अभी लग रहा है ना आप में से कुछ को कि किसी तरह से एग्जाम हो जाए, डिस्टर्ब ना कीजिए सर, किसी तरह से एग्जाम हो जाए, इस खेल को देखिए आप। इन्होंने कहा 2 अलग अलग समूह में मेरिट लिस्ट बनेगी, रोज राग अलाप रहे हैं इंटरव्यू कहीं पे भी, किसी भी प्राइवेट चैनल पे देखे, अभी तक ऑफिशियली एक स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया गया है, खैर किया गया है। अब इन्होंने कहा हो सकता है एक सेक्शन में कठिन एग्जाम हो सकता है एक सेक्शन में आसान एग्जाम हो, हम दोनों ही और दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट जिसमें है वो उस सेक्शन में कम्पीट करेगा, उस सेक्शन में उसका है, हार्ड है तो हार्ड में मरेगा, आसान है तो आसान में खुश होकर उछलेगा, वो जाने, लेकिन जिस सेक्शन के अंदर वो पढ़ेगा ना, जिस शिफ्ट में पढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग मेरिट निकालेंगे। लग नहीं रहा कि क्या, मतलब अजीब टाइप की बात नहीं लग रही है आपको थोड़ा? फिर यहां वही मैंने जो बोला कि किस्मत आपका फैसला करेगी कि आप किस में पढ़ता है, आपने तैयारी ठीक है लेकिन मान लो मुश्किल वाले सवाल स्लॉट में आ गया, शिफ्ट में आ गया, तो बेरा गर्क है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब लापरवाही से पढ़ते हैं, आसान वाले में अगर पकड़ा गया तो निकल जाएंगे, समझो इसको, मतलब हमको मतलब नहीं है, हार्ड है तो तुम समझो, आसान है तो, कभी इन्होंने ये नहीं कहा, इनको ये कहना चाहिए था, नहीं कभी नहीं कहा इन्होंने, इनको ये कहना चाहिए था हम पेपर ऐसा बनाएंगे जो इक्वल होगा, कभी मुंह से निकला है एक बार भी? इसका तो साधारण सा जवाब था, इसका सिंपल सा जवाब है। अगर आप हमसे पूछे, किसी से भी पढ़े लिखे लोगों से पूछे कि दो शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं, एक में मुश्किल एक में हार्ड आएगा तो क्या होगा, तो जो समझदार थोड़ा सा भी होगा वो क्या कहेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लोग बैलेंस पेपर बनाएंगे, दोनों पेपर लगभग इक्वल होगा। और ये क्या कह रहे हैं कि अगर मुश्किल होगा तो उस कैटेगरी में देखेंगे, आसान होगा तो इस कैटेगरी में देखेंगे, लेकिन कभी एक बार ही बोला है कि पेपर बैलेंस रखेंगे? आप सोचो इनकी तैयारी क्या है। इसके बाद ये तो सिंपल सा बात है ना, ये सिंपल सी बात है कि 3 लाख स्टूडेंट कोई अलग एग्जाम दे रहे हैं और 3 लाख स्टूडेंट अलग एग्जाम दे रहा है, 67 में दो एग्जाम हो रहा है, दो शिफ्ट नहीं हो रहा, दो एग्जाम हो रहा है, एक एग्जाम 3 लाख के स्टूडेंट का लॉट देगा और एक एग्जाम 3 लाख के लॉट देगा, क्योंकि पेपर के अंदर ह्यूज डिफरेंस हो सकता है, इससे डिनाई नहीं किया गया और वहीं से आपको रिजल्ट देना है, कहीं कंबाइंड वो नहीं हो रहा, तो किस बात का यहां परसेंटाइल लागू हो रहा है ये समझ में मेरे नहीं आया, हो सकता है मेरी ये समझ इस मामले में कम हो, बट कौन परसेंटाइल यहां लागू हो गया है, अलग अलग ग्रुप में आप ले ही रहे हो, 3 लाख को बैठा के उसमें से रिजल्ट दे रहे हो, तो किस बात का परसेंटाइल हो रहा है ये मतलब ये समझ नहीं आया। तो खैर, तो ये अलग अलग हो गया, ठीक है, और वहां से कठिन है कि आसान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो रिपोर्टर ने पूछा, अब यहां तक इनको ये समझ नहीं है
कि हम बोल दें कि भाई नहीं हम बैलेंस करेंगे। अब रिपोर्टर ने जो सवाल पूछा कि ओबीसी बीसी और इस तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट यदि किसी में कम हो गया किसी में ज्यादा हो गया फिर क्या करेंगे आप, तो चेयरमैन साहब ने क्या कहा, ये बड़ा ही शॉकिंग और झटका देने वाला बात। उन्होंने कहा अच्छा कि आपने ध्यान दिला दिया, आपका ध्यान कहां था जनाब, किस बात की तैयारी कर रहे हो आप, अच्छा हुआ आपने ध्यान दिला दिया, हम ध्यान रखेंगे कि दोनों ग्रुप में ये चीजें मेंटेन रहे, जेंडर ओबीसी ईबीसी एससी एसटी, मतलब ये रिपोर्टर ध्यान दिला रहे हैं। और आप में से कुछ स्टूडेंट मैंने कमेंट देखा है मेरे पास वीडियो आया तो कि वाह रिपोर्टर का शुक्रिया, रिपोर्टर का तो शुक्रिया करना ही चाहिए, लेकिन भाई साहब जो जवाब दे रहे उनका क्या किया जाए, उनका क्या किया जाए। ये जो उन्होंने बोला अच्छा कि आपने ध्यान दिला दिया, ये लाइन आपको समझ रहा है, समझ में आ रहा है कितनी मैच्योरिटी के साथ इस प्लानिंग की जा रही है, टोटली अनमैच्योर प्लानिंग है, अनसिस्टमेटिक प्लानिंग है और एकदम से लापरवाही में तैयारी किया जा रहा है इसके लिए, इसको लेकर। अब सोचो कि अच्छा वो आपने ध्यान दिला दिया, इतना बड़ा ब्लंडर है आपको ध्यान ही नहीं आ रहा है। स्टूडेंट और यूट्यूबर्स जो भी टीचर हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीचर हैं, डेली चिल्ला रहे हैं इस बात को लेकर, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब इन्होंने कहा ये बहुत बड़ी बात है, ये दिखा रहा है कि आपके साथ कैसे खेला जा रहा है। अब देखो स्केलिंग की बात करते हैं, इन्होंने बोला मेंस के अंदर परसेंटाइल की मांग कर रहे हो, स्केलिंग पे बात हुआ, रिपोर्टर ने पूछा तो मेंस के अंदर स्टूडेंट तो स्केलिंग की मांग कर रहे हैं और पीटी में डिनाई कर रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है। तब उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं मेंस में ना लोग अभी जो मैं परसेंटाइल ला रहा हूं लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो मेंस स्तर पे लागू करना के पहले उनको समझा दिया जाएगा, तो पीटी में क्यों हड़बड़ा रहे, 68 से लेके आ जाइएगा ना तब तक हम भी समझ लेंगे। मेंस में आप लागू नहीं कर रहे, वो हजार वाला जो क्राइटेरिया है वो डाल रहे हैं इसके अंदर, उसको हटा के उसके पहले उन्होंने बोला कि इस पे काफी ज्यादा विवाद हो गया, लोग समझ नहीं पा रहे इसलिए थोड़ा सा इन लोगों को हम समझा दे तब जाके लागू कर सकते हैं, तब भी वो श्योर नहीं किए, तो थोड़ा और समझ लेना, प्रीलिम्स में भी समझ लेते हैं क्या दिक्कत है, थोड़ा सा हम लोग के पास पेशेंस है, 68 में देखेंगे जो होगा, 67 तो चलने दो सीधा। तो ये स्केलिंग को लेकर खैर इस पे भी नहीं जाएंगे। एक और कि बहुत सारे गलत सवाल आते हैं और उसके लिए आपका क्या है, गलत सवाल जब आता है उस पर क्या है, और ई ऑप्शन पे लेकर सवाल पूछा गया, इन्होंने बोला बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और गलत सवाल पे इन्होंने कुछ नहीं बोला, गलत सवाल पे इन्होंने कुछ नहीं बोला। गलत सवाल भी इन्होंने कुछ नहीं बोला और इन्होंने बोला कि हमें त्रुटि मतलब त्रुटि को समाप्त करने की जरूरत है, इसके लिए टाइम टू टाइम चेंजेस लाना है, और ई तो बहुत बढ़िया है, क्यों क्या लाइन बताया पता है कमाल की बात, क्योंकि त्रुटि पूर्ण होने के लिए जरूरी है, मतलब कि क्वेश्चन में गलती हो जाता है, अगर मान लो कि ई ए और बी ऑप्शन दो है और हमारे पास ऑप्शन ना है तब ई तो मार सकते हैं ना, कमाल की बात पता है क्या, और कमाल की बात पता है क्या, कि ये जब बीपीएससी के चेयरमैन बने उसके पहले यूपीएससी घूम के आ चुके हैं, और उन्होंने बोला कि हम यूपीएससी गए और वहां की भी कार्य प्रणाली को देखा, हम उससे काफी प्रभावित हैं, और ये नहीं कहा ई ऑप्शन को डिफेंस कर गए, और ये नहीं कहा कि हम अगले बार से पूरा त्रुटि रहित पेपर बनाएंगे, इन्होंने बोला त्रुटि हो जाती है ना कभी ए बी सी ऑप्शन आ गया क्या करें, तो बीपीएससी यूपीएससी तो डेली ले रही है, हर साल एग्जाम ले रही है, ए बी सी ऑप्शन आता है तो इनमें से एक दो सही होगा, ए बी सी तीनों सही होंगे, केवल ए सही होगा, इनमें से कोई नहीं सही होगा, या बीच में एक और ऑप्शन था लेकिन इनमें से सभी सही होगा, आता तो है सवाल, चार ऑप्शन में निपट जाता है, सारा पीसेस निपटा रहा है, तो आप ये तो मान के बैठे हैं कि गलती होगा और उस गलती के लिए आयोग डिफेंड कर जाएगी ये ऑप्शन पे और स्टूडेंट फंस जाए, तो उन्होंने क्या कहा, निगेटिव और ई दोनों होता तब गड़बड़ होता, तो इसका मतलब निगेटिव होता तो ई गड़बड़ी करता ना, पॉजिटिव में नहीं करेगा, और आपने क्यों नहीं कहा कि इस बार हम क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, आपने ये कहा कि हम लोग नहीं देखते हैं क्वेश्चन पेपर, सील्ड आता है चला जाता है और जब स्टूडेंट खोलते हैं उसी समय हम भी देखते हैं, मतलब जब स्टूडेंट के पास पहुंचा तब हम देखें, अच्छी बात है,
तो आप तो चेयरमैन है ना, क्वेश्चन सही बनेगा कि नहीं जो भी वहां का विंग है वो सब आपके अंडर है ना, तो आपको ये कहना चाहिए ना कि हम इस बार क्वेश्चन पे पूरा मेहनत कर रहे हैं, एक भी सवाल गलत नहीं होने देंगे, त्रुटि रहित सवाल आएगा और ये ऑप्शन भी आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन जवाब नहीं था, अपने सुधार का कोई भी हिसाब किताब नहीं है इनके पास। इसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग की बात उन्होंने कही, तो उन्होंने बोला कि सुधार तो चलता रहेगा, कब आएगा अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जब आएगा तब आएगा, नहीं आएगा जो भी है, इसमें गोलमोल दबा दिया। वेटिंग लिस्ट की बात की, ये एक अच्छी बात है कि वेटिंग लिस्ट होना चाहिए और उसको क्लियर करना चाहिए। जब मान लो कोई पर्टिकुलर पोस्ट है उसके नीचे वेटिंग लिस्ट होना चाहिए, अगर है यूपीएससी रखती है, कोई ज्वाइन नहीं किया, जैसे हमारे ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है उनको नीचे का रैंक मिला, नहीं ज्वाइन किए, जब नहीं किए तो उनको जगह पे वेटिंग रहता तो उनको मिल जाता ना, वेट करने की जरूरत नहीं थी एग्जाम। फिर उसके बाद कैलेंडर के को लेकर, तो इन्होंने बोला कि अभी पहले तो हम बैकलॉग जो मैंने बैक में जो एग्जाम चल रहा है उसको दिसंबर तक निपटाएंगे, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि नवंबर दिसंबर तक उसको हम निपटा लें, तब जाके हम कैलेंडर जारी करें जहां पीटी मेंस इंटरव्यू और रिजल्ट सारा डेट एक तरह का हो। अच्छी बात है, बस मेंटेन हो जाए, कैलेंडर तो हर बार आता है, मेंटेन कर ले तो बहुत बड़ी बात है, तो चलो ये है। उसके बाद अब एक सवाल इन्होंने कहा, 66 का रिजल्ट आया ना, उसमें मेडिकल फिट होने के बाद जो 5 नंबर पे थे उनको डीवाईएसपी नहीं मिला, और भी जो होते उनको मनचाहा पोस्ट नहीं मिला, जबकि उनकी उनका अधिकार बनता है, बीपीएससी ने नहीं दिया, तो इन्होंने कहा कि अभी ये तो हमें, मैं क्षमा चाहता हूं, क्षमा मांगी, और उन्होंने कहा कि मुझे अभी पहली बार पता चला है, लो पहली बार पता चला है, अभी अभी उनको जस्ट रिपोर्टर साहब ने बताया, उसके पहले नहीं पता था उनको, अब हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, अब पहली बार पता चला, पता नहीं कैसे पहली बार पता चला। तो और लूप होल्स की बात की गई कि लूप होल्स में क्या करोगे, तो लूप होल्स कहां कहां कैसे कैसे है थोड़ा सा भी नहीं बताया। पर्दे के पीछे का एक वर्ड यूज किया गया कि पर्दे के पीछे का सुधार कर रहे हैं जो कि हम पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते, ठीक है, थोड़ा तो बताएंगे कि पर्दे के बाहर में क्या क्या रिफॉर्म हो रहा है, सिर्फ चिप और जीपीएससी लग रहा है कि कुछ हो रहा है, पेपर सॉलिड बनेगा, गलत नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं, कहीं नहीं। उसके बाद हाँ, अब देखो मामला फिर फंसा दिया इन्होंने, इन्होंने क्या कहा, फाइनल चेक के पहले कमिटी बैठाई जाएगी, जो इंडिपेंडेंट कमिटी होगी, जितने लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें से अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे फिर पेज फंसा, हम लोग क्या करें, अब उसका पूरा रिव्यू करेंगे, पीटी के डॉक्यूमेंट से लेकर फॉर्म से लेकर ओएमआर से लेकर सारा रिव्यू होगा लास्ट तक। उस रिव्यू में एक वर्ड ये भी जोड़ा कि अगर ओएमआर में व्हाइट कलर व्हाइटनर यूज कर दिया गया हो कहीं, हम उसको भी देखेंगे। अब एक बात बताइए, बाय चांस उसका लड़के का या लड़की का जिसका भी सिलेक्शन कैंडिडेट का हो गया, अब आप ओएमआर अब चेक कर रहे हो कि व्हाइटनर लगा है कि नहीं, और व्हाइटनर के बेसिस पे अगर आप उसको छांट देते हैं, ठीक चलो छांट देते हैं, वेटिंग से तो नीचे ले लेंगे आप, चलो ठीक वेटिंग से ले लेंगे, लेकिन अगर व्हाइटनर लगाना गलत है और उस आधार पे वो अगर छट रहा है तो पीटी में वो अगर छटता तो पीटी में ही तो एक कैंडिडेट उसकी जगह पे आ जाता, गलत करने के कारण वो छट रहा है, तो वो चीज मेंस के लास्ट में क्यों, पीटी में ही क्यों ना, मेंस का मेंस में देखिएगा, पीटी को तो पीटी के लेवल पे फेयर कर लीजिए कि वहां किसी ने व्हाइटनर तो नहीं लगा दिया, वहां किसी ने ब्लेड तो नहीं लगा दिया, वहां पे हटाइए सोएमआर को, तो वो जब हटेगा तो उसकी जगह कोई एक तो फाइट करने के लिए आएगा, तो उसको आप लास्ट में हटाएंगे तो कहीं पीटी वाले लड़के के साथ बीमारी नहीं हो गया, तो जो जिस स्टेज में उसको उसी स्टेज में निपटाइए ना, कि उसको लास्ट के लिए रखोगे और फिर उसको हटाएंगे और यहां नीचे से वेटिंग वाले को डालेंगे वहां पे, या उसको हटाई देंगे, कहेंगे ओएमआर में तुम्हारी गलती से तुमको नहीं ले रहे हैं, अब दूसरे को लेंगे, तो ओएमआर उस गलती के कारण जो एक लड़का हट गया, हो सकता तो वो भी जेन्यून कैंडिडेट होता मेंस का, तो हर स्टेज पे ही उसी समय उस झंझट को खत्म करो ना आप, और इतना तामझाम करने के बाद एक साल के अंदर रिजल्ट देना क्या पॉसिबल है, क्या लग रहा है प्रैक्टिकली पॉसिबल। उसके बाद हाँ, अब यूपीएससी के डेट के बीच की बात, मतलब यहां पे तो मुझे डाउट हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो पुराने बहुत पहले 10 साल 20 साल पहले जिन्होंने आईएएस की तैयारी की है, पीसीएस की तैयारी की है, और जो जो एजुकेशन फील्ड में नहीं है, पहली बात जो एजुकेशन फील्ड में उनको अपडेट पता है, जो नहीं है उनसे बहुत सजेशन मत लीजिएगा, वो अपने जमाने का सजेशन देंगे, कभी हम पढ़ा करते थे तो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ते थे, ये करते थे वो करते थे 16 घंटा, क्योंकि भैया रिस्की हो जाएगा आपके लिए और फंस जाओगे,
उस समय 20 साल पहले जो यूपीएससी की तैयारी करते थे उनसे ज्यादा सजेशन ना लो, यदि वो सिर्फ नौकरी ही कर रहे हैं तो पक्का सजेशन सही नहीं आएगा, ये लिख के रख लो कोई हो। हाँ, वो अगर अपडेट रहते, अपने को अपडेटेड रखते हैं, अवेयर है वो क्वेश्चन पेपर और इन सब चीजों से, तब तो कोई बात नहीं, उनसे आप लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, उतना पीछे का नहीं चलेगा। आप देखो ना यही क्या कह रहे हैं कि 6 लाख स्टूडेंट का भविष्य है, मतलब 6 लाख स्टूडेंट को 1000-2000 स्टूडेंट के लिए दाव पे लगा दें और 1000 स्टूडेंट का कुछ नहीं, 1000 स्टूडेंट का कुछ नहीं, सर्वोदय वाला कॉन्सेप्ट गया भारत का, और पूजा भी है स्टूडेंट को, पूजा से मतलब होता है कभी क्या? तो आप अपने पूजा के सेलिब्रेशन के लिए स्टूडेंट के कैरियर के साथ खेल जाओगे? नहीं, आप अपने पूजा, पूजा की भी छुट्टी सप्तमी अष्टमी नवमी इस तरह से होती है ना, दुर्गा पूजा और इसकी दीपावली छठ के बीच के गैप होता है, आप यूपीएससी के बीच में गैप करके गड्ढा खोद रहे हैं। अब सोचो कि यूपीएससी के बीच में गड्ढा खोद के स्टूडेंट को आप दफन करने पे लगे हुए हैं, लेकिन फेस्टिवल के बीच में 2 दिन का टाइम आपसे नहीं निकल रहा है, वो छुट्टी इतना प्यारा हो गया, मतलब लॉजिक देखिए ना। और उसके बाद कमाल की बात, हम भी कभी स्टूडेंट रह चुके हैं और भाई साहब ने पूछा, रिपोर्टर भाई साहब ने, कि मतलब कैसे तैयारी होगा, यूपीएससी का कॉन्सेप्ट और इधर फैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता कॉन्सेप्ट फैक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता, जो बच्चे तैयारी करते हैं वो कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। अब सुनो, कोई भी बच्चे जो भी तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं। एक बच्चा मल्टीटास्किंग मल्टी एग्जाम को देता है, एमपी को भी देगा, यूपी को भी देगा, बीच में कहीं देगा, आप 4 दिन के गैप पे ले लीजिए ना यूपीएससी समाप्त होने के बाद, वो बच्चा निकाल लेगा। बच्चे के टैलेंट पे डाउट नहीं है हमें, लेकिन यूपीएससी का एक बार पेपर समाप्त होकर 4 दिन का तो मौका दो, देखो कैसे धूम मचा देता है वो बच्चा आके। यहां पे कभी सुने कि बीच में जाके एमपीपीएससी और यूपीपीएससी का एग्जाम मेंस के बीच में जाके देते हुए? इसीलिए कहते हैं बच के रहना, इन लोगों से सजेशन मत लेना कभी, डूब जाएगा नहीं यार। मतलब इनका लॉजिक क्या है कि मतलब बच्चे जो हैं उनको हमेशा तैयार होना चाहिए। अरे बच्चे तो हमेशा तैयार ही रहते हैं, एक पैकेज तो पूरा होने दो एग्जाम का, 5 दिन 4 दिन का भी तो गैप दीजिए ना, दूसरे बच्चे फोड़ देंगे फिर आके यहां पे। लेकिन बच्चे हमेशा तैयार रहते हैं और मेंस की यूपीएससी के मेंस की मोड से आके, और तब आपका, तो हम भी कभी स्टूडेंट रहे, हमको नहीं सबको डाउट होगा, इवन आपके स्टाफ को भी डाउट होता होगा इस बात पे। और 18 को कोई एग्जाम दे रहा है तो वो आके हमको बताए, एप्लीकेशन दे, तो हम कोशिश करेंगे 20 और 22 के आसपास, 20 को हम उसको दे दें या 22 को हम दे दें, ठीक है। और कुछ और भी है क्या? और अगर मैंने जनसंख्या बढ़ गई तो फिर मुश्किल है पटना के आसपास देना, या 20 या 22 जो भी है, तब रेंडमली उनको देना पड़ेगा। तो मान लो कि आपके पास जितनी कैपेसिटी है, जो भी वहां से एग्जाम स्टूडेंट आएगा जो एप्लीकेशन डालेगा, जितनी कैपेसिटी उतने को तो आप दे दोगे, और 5 भी बच गया तो अनफेयर नहीं हो गया उनके साथ? राइट टू इक्वलिटी कहां चला गया? मतलब क्या है ये, बिना सिर पैर का बात, बिना सिर पैर की चीजें चल रही है। मतलब आप चॉइस दे रहे हो, लेकिन आप जितनी कैपेसिटी उतना ही को देंगे आप, तो फिर और का क्या होगा? मतलब आप देख रहे हो ना क्या चल रहा है। मतलब ऐसी स्थिति में इनको अभी ये 2 शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं, कैटेगरी वाइज इनको बराबर करना है पता ही नहीं है। यूपीएससी में फैक्ट और कॉन्सेप्ट जैसा कुछ नहीं होता, यूपीएससी और बीपीएससी में माने बराबर है, एक डंडे से ऊंट और सांप सबको हाँक दो आप, सब बराबर है ना। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, लूप होल्स की बात करें, ई ऑप्शन की बात करें तो बड़ा ठीक है, क्योंकि हम त्रुटि पूर्ण हो सकता है, उसको बचाने के लिए काम आएगा। पेपर लगभग इक्वल बनाएंगे, कहीं बात ही नहीं, अपना अपना किस्मत तुम्हारा, किस कैटेगरी में तुम गए और किस कैटेगरी में तुम गए। इतना जान लो कि अगर इस बेसिस पे एग्जाम हो गया तो आपके साथ हमेशा खेला होता रहेगा और आप सिर्फ एक पपेट रहेंगे और कुछ इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आप बिल्कुल मजबूती से अपनी बात को उठाइए, सही बात उठाने पे कोई डरने की बात नहीं है, और किसी भी तरह से डरिए मत, डरने से थोड़ी ना काम चलेगा, डरने से क्या आपको सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सपना आपका पूरा हो जाएगा? नहीं होता।
आपको जो बात है तो हम क्यों नहीं डिमांड, हम सरकार से डिमांड नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे। कर्फ्यू लगा दिया इन्होंने, 144 लगा दिया है ताकि कोई आए नहीं हमारे गेट पर। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यही थी आज की कहानी, देखो क्या चल रहा है।